फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चैट लीक हुई है शाई तोशी कुशामा की रिगार्डिंग शिबा इनू की बर्निंग को लेके क्या कुछ नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पहले भी पता था भाई, कुछ दिन पहले इसी तरह से एक चैट लीक हुई थी जिसमें इन्होंने बर्निंग का जिक्र किया था, जिसमें इन्होंने बताया था हम कोई नया मेथड लेके आ रहे हैं बर्निंग के रिगार्डिंग। तो क्या कुछ वो मेथड है और क्या कुछ चैट लीक हुई है। साथ के साथ गाइज, यहाँ पर 6 घंटे पहले फिर से एक बड़ी वहेल ने शिबा इनू को किया है परचेज, और जो अमाउंट उन्होंने जितने अमाउंट का परचेज किया वो अमाउंट है 1,30,87,947 US डॉलर्स। फिर से मतलब 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पर की गई है शिबा इनू टोकन्स में। और ये क्यों इन्वेस्टमेंट की जा रही है इतनी ज़्यादा वहेल अकाउंट द्वारा, वो मैं पहले हर वीडियो में बताता आया हूँ और इस वीडियो में मैं डिस्कशन में बताऊँगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। साथ के साथ यहाँ पर शेनन ब्रो ने भी 36 मिनट पहले एक ट्वीट डाला है रिगार्डिंग शिब आर्मी को लेके, और इन्हें शुक्रिया अदा किया। तो क्या कुछ शुक्रिया किया है और क्या शिब आर्मी के रिगार्डिंग यहाँ पर ट्वीट डाला है, तो इसका भी हम पूरे डिटेल से जानेंगे। साथ के साथ यहाँ तक NFT पोर्टल यानी NFT पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है, NFT पोर्टल अब अवेलेबल है शिबा स्वैप के ऊपर, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो गाइस, जो मार्केट है आज है वो 0.25% से अपवार्ड की तरफ, जो मार्केट में तो बस प्लस में, क्योंकि मैंने बताया 1, 2, 3 प्लस या माइनस हो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मार्केट के ऊपर, तो 0.25% से अप है। तो कुछ कॉइन्स अप गए होंगे, बाकी जो हमारे मेन कॉइन है वो इतने ज़्यादा अप नहीं गए होंगे। देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस माइनस में चल रहा है, इथेरियम का प्राइस माइनस में चल रहा है, कार्डानो आप देख सकते हैं प्लस में। यहाँ पर बात करो अगर मैं डोज कॉइन की, तो डोज कॉइन भी देख सकते हैं प्लस में यहाँ पर है, यूनिस्वैप माइनस में है। तो चलिए बात करते हैं शिबा इनू कॉइन की। तो गाइस देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन का प्राइस चल रहा था 1.05% प्लस में, और अभी चल रहा है 1.85% माइनस में यहाँ पर, क्योंकि मार्केट पॉइंट से ही यहाँ पर 0.25% से ही प्लस में चल रही है मार्केट। जो हमारा रैंक है शिबा इनू का वो 51 रैंक अभी बरकरार है यहाँ पर। उसके बाद वॉच लिस्ट की बात कर ले, तो वॉच लिस्ट 11,16,830 लोगों की वॉच लिस्ट यहाँ पर हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की। तो देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम से पहले आप प्राइस में देख सकते हैं किस तरह गिरावट हमको देखने को मिली है। हालांकि थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिली थी यहाँ पर, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। तो चलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम की एक नज़र डाल लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मार्केट में जो प्राइस है वो माइनस में चल रहा है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हमारा अभी माइनस में बना हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा माइनस नहीं है भाई, हमें सोच विचार करना पड़े, ये तो मामूली बात है। इतना तो बिटकॉइन इथेरियम का भी रहता ही है यहाँ पर। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं माइनस के 11% है। या प्राइस चेन देख सकते हैं, अभी प्राइस में गिरावट देखने को मिले लगभग 2% की। अब क्यों गिरावट आ रही है, ये तो एक तो मार्केट इसके जिम्मेदार होती है, और दूसरे कहते हैं होल्डर्स जो है वो सेल आउट कर देते हैं अपने कॉइन्स को, वो भी जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर ट्वीट्स की। तो सबसे पहला हम ट्वीट दिखाएंगे आपको, NFT सेक्शन को अपडेट कर दिया गया है शिबा स्वैप के पोर्टल के ऊपर, जो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ बन जाती है यहाँ पर। अब आप NFT यहाँ पर बाय सेल और ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ बन जाती है यहाँ पर शिबा स्वैप के लिए भी, और साथ के साथ हम शिबा आर्मी के लिए भी। तो चलिए नेक्स्ट ट्वीट की तरफ नज़र डालते हैं। तो नेक्स्ट ट्वीट यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस को लेके है, जो साइतोशी कुशामा की चैट लीक हुई है उसके रिगार्डिंग। तो इन्होंने जो बर्निंग का वे निकाला वो निकाला NFT के थ्रू। देख सकते हैं बर्निंग शिब विद द NFT इज कन्फर्म्ड। ठीक है गाइज, अभी आपको पता था थोड़े दिन पहले जो बर्निंग का प्रोसेस था वो वूफेबल पेयर के बाद था, जब वूफेबल पेयर की लिस्टिंग होगी तब उसके बाद 25,000 US डॉलर्स की यहाँ पर बर्न किए जाएंगे शिबा इनू टोकन, साथ के साथ लीज टोकन को बर्न किया जाएगा यहाँ पर। अब उस प्रोसेस में जो टोटल सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो बहुत कम होने में, टोटल सप्लाई ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए हमें कुछ दूसरा मेथड की ज़रूरत पड़ती जिससे हम बर्निंग प्रोसेस को और तेज़ कर सकते। जो दूसरा मेथड यहाँ पर निकल के आया है वो आया है यहाँ पर NFT को लेके, बर्निंग शिप विद द NFT इज कन्फर्म्ड। और फर्दर इसके बाद भी, अभी इस मेथड के बाद भी कुछ और मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा साइतोशी कुशामा द्वारा। अभी तो ये चैट लीक हुई है, दरअसल में उन्होंने ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन जब ये ऑफिशियल हो जाएगा उसके बाद फिर से कुछ सोच विचार वो करेंगे, ताकि फर्दर जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो हमारी कोई बर्निंग प्रोसेस है उसको करके जो टोटल सप्लाई उसको कहीं ना कहीं ख़त्म या फिर कम किया जा सके। देखो ख़त्म तो होगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई है, तो कम किया जा सकता है उसको।
नेक्स्ट यहाँ पर ट्वीट किया है शैनन ब्रो ने 41 मिनट पहले, तो इस ट्वीट में इन्होंने शुक्रिया अदा किया, दरअसल में इन्होंने शुक्रिया अदा किया है लेकर ब्रायंट का। इन्होंने क्या किया था लाइव सेशन में अपने, जब इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो लाइव स्ट्रीमिंग में इन्होंने क्रिप्टो के बारे में यहाँ पर लोगों को जागरूक किया था, यहाँ पर बताया था और साथ के साथ हेल्पिंग वेट्स के बारे में भी। तो इस चीज़ को यहाँ पर ट्वीट किया था डॉक्टर बी ने, जिनका जो ट्विटर अकाउंट है वो @ लेकर ब्रेंट की तरफ से है, तो इनका ही इन्होंने रीट्वीट किया, भाई शुक्रिया तुम्हारा, तुमने यहाँ पर मुझे टैग किया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और साथ के साथ इन्होंने शुक्रिया किया पूरी की पूरी शिबा आर्मी का। और ये चाहते हैं भाई जो शिबा इनू कॉइन है, जो हमारा मेम टोकन कॉइन है, वो टॉप मोस्ट मतलब सभी की नज़रों में वो बना रहे यहाँ पर, ये तो बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ट्वीट निकल के आता है जो यहाँ पर वेहल अकाउंट है, उन्होंने यहाँ पर जो परचेज किए हैं शिबा इनू के ऊपर, जो इन्वेस्टमेंट की है वो लगभग 6 घंटे पहले की इन्वेस्टमेंट की है, 1,30,87,947 US डॉलर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, क्योंकि कल परसों की वीडियो मैंने बताया था यहाँ पर 8 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट की गई थी, वो मैंने कल परसों की वीडियो में आपको दिखाया भी था, और आज फिर से 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है। अब ये आपके माइंड में भी सवाल है भाई ये इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है भाई जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्यों की जा रही है, बल्कि शिबा इनू तो अभी एक मेम टोकन कॉइन है, तो ये क्यों की जा रही है इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। तो गाइस देखिए इसके जो मेरी अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 कारण है मुख्य, ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की जा रही है क्योंकि जो शिबा इनू टोकन है, एक तो उसका प्राइस डाउन है, मतलब आप 100 US डॉलर्स में भी कितने ज़्यादा शिबा इनू टोकन को परचेज आउट कर सकते हो, तो सोच के देखो 1 करोड़ में कितने ज़्यादा शिबा इनू परचेज आउट कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ पर अगर रोबिन हुड पे लिस्ट हो जाता है शिबा इनू, तो इसका प्राइस में चेंज आपको पता ही है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अभी आपने देखा था कॉइन बेस प्रो के ऊपर जैसे लिस्ट किया गया तो प्लस के 33% इंक्रीमेंट हो चुका था यहाँ पर, तो सेम वे में अगर रोबिन हुड पे लिस्ट हो जाता है, अगर 30% भी प्लस के इंक्रीज कर जाता है, तो इनका प्रॉफिट सोच के देखो 1 करोड़ के एकदम से कितना पैसा यहाँ पर बन जाएगा। और ये जितने भी वहेल अकाउंट होते हैं इनको कोई मतलब नहीं होता है किसी भी कॉइन से, इनको सिर्फ मतलब है अपने इंस्टेंट प्रॉफिट से, IP इनको सिर्फ इंस्टेंट प्रॉफिट से मतलब है भाई कौन सा कॉइन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करा सकता है, तो ये पूरा एनालाइज करते हैं उसके बाद इतनी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाती है। वैसे आप खुद सोचो क्यों इतनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी करोड़ रुपये थोड़ी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो ये सिर्फ एनालाइज करते हैं पूरी तरह से इस चीज़ को, हाँ भाई अब इस कॉइन को यहाँ पर लिस्ट किया जाएगा और इसके बाद इसका प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो मेरा 1 करोड़ की वैल्यू आराम से इतने पैसे बन जाएगी, तो मैं इस पर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। साथ के साथ कारण मैंने बताया भाई जो प्राइस है शिबा इनू का वो अभी बहुत डाउनवर्ड है, यानी 100 डॉलर्स के बीच में भी आपको बहुत ज्यादा शिबा इनू टोकन कॉइन मिल जाएंगे, तो यहां पर तो 1 करोड़ US डॉलर्स लगाए तो सोचो कितने ज्यादा कॉइन्स यहां पर मिल जाएंगे इनको, और जब परसेंटेज बढ़ेगी मान लो 10 या 12% भी बढ़े तब भी उसका बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। बस यही कारण है यहां पर भाई इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक आर्टिकल रीड आउट करते हैं जो आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किया है इकोनमी वॉच की तरफ से। दरअसल में इन्होंने बताया भाई आने वाले टाइम में शिबा इनू का प्राइस 8% से इंक्रीज कर जाएगा। अभी इन्होंने कैसे बताया, क्या एनालाइज किया इन्होंने, तो गाइस देखिए इनके अकॉर्डिंग पहले तो इन्होंने ग्राफ ग्रुप यहाँ पर दिखाया आपको भाई किस तरह से जो प्राइस है, यह प्राइस प्रेडिक्शन का ग्राफ था, थोड़ा डाउनवर्ड गए और उसके बाद ये अपवर्ड की तरफ चला गया जैसे कॉइन बेस प्रो के ऊपर लिस्टिंग की गई। अब मैं सीधा ही यहाँ पर पॉइंट पर तरफ जाता हूँ, ऐसे तो बहुत बड़ा आर्टिकल्स है इनके बीच में पूरा एनालाइज करके दिखाया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं शिब टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइज अब यहाँ पर क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अब मतलब क्या है मैं सीधा आपको सीधे बताता हूँ, इन्होंने क्या उठाया है, लास्ट कुछ डाटा उठाया है जिसके बीच में जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्होंने एनालाइज किया है, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, और साथ के साथ इन्होंने एनालाइज किया होल्डर्स की संख्या, बायर्स की संख्या, बायर्स तो खैर न्यू इन्वेस्टर में आ गए, और सेलर्स की संख्या, इन चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं भाई जो शिबा इनू का प्राइस है वो लास्ट के दिनों में तो डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है, जैसे महीना मान के चलो 30 दिन का मंथ है तो फर्स्ट 15 डेज में अपवर्ड की तरफ रहेगा, लास्ट 15 डेज में डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पर रहता है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने एनालाइज किया है भाई जितने ज़्यादा होल्डर्स अब न्यू आ रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, वो सेल आउट नहीं कर रहे हैं, और जो सेल आउट कर रे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर वेहल अकाउंट वाले,
तो इस आधार पे इन्होंने यहाँ पर बताया भाई जो शिबा इनू का प्राइस है वो 8.15% से इंक्रीज कर सके। अभी देखो ये तो आइडिया होता है भाई, जरूरी थोड़ी 8.15%, ये तो आइडिया है भाई 6 से 10% के बीच में इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा इनको अपना आर्टिकल पब्लिश करना होता है तो आर्टिकल पब्लिश करने के लिए ये सब करते हैं यहाँ पर। तो गाइज होप कर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज।